जय शिव राय, सत श्री अकाल, वणकम। आज हम जा रहे हैं तवानी घाट। अचानक प्लान बना तो ये पनवेल से करीब 125 किलोमीटर का करीब है। हम पहले उधर से गए हैं लावासा की तरफ, लेकिन तवानी घाट में रुका नहीं कभी, तवानी घाट स्पेशली कभी नहीं गए। तो आज सोचे कि थोड़ा तवानी घाट होके जाएं, देख के आए कैसा है। बारिश में थोड़ा बारिश कम है आज, फिर भी देखते हैं। तो आज देखते हैं वेदर। जब हम निकले तो बहुत ही अच्छा था, अभी निकल के करीब आधा घंटा हुआ है। हम लोग एक्सप्रेस हाईवे में हैं और देखते हैं अभी आगे कैसे होता है। मैं और रूना जा रही है, बच्चे घर पे, उनका बेटी का एग्ज़ाम है, लड़के का भी कुछ काम है, तो लोग घर पे रह गए। अभी एक्सप्रेस हाईवे दिखाता हूँ आपको कैसे है। ये एक्सप्रेस हाईवे आज थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है, गूगल ने जो दिखा आगे थोड़ा ट्रैफिक है, आगे इन द सेंस जो घाटी है, घाटी में थोड़ा ट्रैफिक दिखाया। अभी देखते हैं इधर का, चारों तरफ थोड़ा आगे जाएंगे तो चारों तरफ का सीनरी भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ग्रीनरी तो हो गया है चारों तरफ। ये फुटबॉल में आया था, अभी रास्ते में थोड़ा पेट्रोल भरना है और फुटबॉल तो सोचा पहले जम्मू किंग से खाएंगे, उसके बाद नहीं सैंडविच ट्राई किया, सैंडविच फिक्स किया, फिर अभी सैंडविच। फुटबॉल से निकलते टाइम थोड़ा जैम है और लिया हमने सैंडविच, अभी पैक है पूरा निकालेगी। ये है फुटबॉल, तो गाड़ी पार्किंग करके निकला और ये है सैंडविच, हमने लिया एक सैंडविच, वेज सैंडविच। पार्सल ले लिया क्योंकि उधर तो खड़ा होने का जगह भी नहीं है, वीकेंड में इतना भीड़ है, सो हम लेके उसको निकल रहे हैं। पेट्रोल भी फिल करने का था लेकिन इधर पावर पेट्रोल है ओनली, सो वी डिसाइडेड टू गो अहेड एंड फिल अप फ्रॉम समवेयर एल्स। तो अभी हम लेंगे थोड़ा पेट्रोल, पेट्रोल है पर थोड़ा कम दिखा रहा है, सो पेट्रोल भरते हैं, यहाँ पे मिल रहा है। घाट शुरू, अगर आपको दिखाई दे रहा है घाटी, ये है लोनावला का घाटी, चढ़े हम। घाट पर पहुंचते ही बारिश चटर पटर हो रहा है। सारे निकले हुए हैं सब बाहर, लोनावला में तो बहुत ज्यादा भीड़ होता है, इसलिए हमने सोचा लोनावला नहीं जाके थोड़ा आगे चलते हैं। लोनावला में बूशी डैम का तरफ इतना ज्यादा भीड़ हुआ था लास्ट टू लास्ट, एक गाड़ी जाने का रास्ता नहीं था, लोग पैदल भी मतलब जाने के लिए नहीं ऑफ्ट हुए थे, बोल रहे नहीं जाना है। ये जो गूगल बोल रहे हैं ना जैम, ये लाल दिख रहा है और आगे भी ट्रैफिक, पूरा ट्रैफिक है। एक टर्न कम से कम 1 किलोमीटर रास्ते का है, ट्रैफिक सब रुका पड़ा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे। लोनावला वेदर, अभी हम लोनावला क्रॉस करेंगे, लोनावला घुसे नहीं अभी, रीचिंग लोनावला।
सामने राजमची है, राजमची पॉइंट। अभी देखो पूरा फॉग। ये है लोनावला का टनल, इसका उस पर है लोनावला। पूरा डेडलॉक जाम एकदम लोनावला में। हम लोग गोल्डन हाईवे में एंट्री किया और पूरा डेड जाम हो गया इधर। कुछ 21-22 मिनट का जाम था, अभी भी 15-16 मिनट बचा हुआ है। फिर से एक्सप्रेस वे में घूम फिर के लोनावला घूम के, रास्ता गूगल बाबा काफ़ी चेंज कर रहा है शायद जाम का वजह से, अभी देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:15, देखते हैं कितना बजे पहुंचते हैं। अभी 2.5 घंटा दिखा रहा है, सो लेट्स सी। और एक टनल आ रहा है, आगे इसका रास्ते पे तमानी का रास्ते पे, लेकिन अभी भी 2 घंटा 2.25 घंटा दिखा रहे हैं, सो काफ़ी अंदर तक जाएगा। गांव गांव का रास्ता है। एक्सप्रेस वे से जब भी लेफ्ट टर्न लेके घुसा और रास्ता काफ़ी ख़राब था एक पैच, अभी थोड़ा ठीक रास्ता है। 2.5 घंटा और बता रहे हैं, 2.25 घंटा 2 hours 15 minutes बज रहा है। 1:45 3 बजे पहुंचे। जो डैम दिख रहा है ये मुल्शी डैम है। हाँ, मुल्शी डैम का बाजू में से जाएंगे, बहुत बड़ा डैम है मुल्शी। ये डैम का व्यू सुपर व्यू, एकदम नीचे से ऊपर आया जा रहे हैं और आगे ऊपर की तरफ। बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा, सुपर। ग्रीनरी देखो, ग्रीनरी क्या ग्रीनरी है, ओफ पागल कर देने लायक। ये रास्ते पे एक जगह पे हमने रुका, वो उधर जो दिख रहा है थोड़ा फोटो खींचा, और भुट्टा उट्टा मक्का मिल रहा है गरम। क्या सुंदर सा रास्ता है, और इधर इतना अच्छा सीनरी, बाइकर्स पैराडाइज। पॉट हम पॉट की तरफ जा रहे हैं।
काफी खराब है या। राइस फील्ड्स पूरा जंगल का रास्ता, उसमें दो गाड़ी का पासिंग बड़ा मुश्किल है, गाड़ी उतर जाता है रास्ते से। ये महाराष्ट्र का जो सह्याद्री रीजन है, यह बारिश में इतना सुंदर हो जाता है। इसका नेचुरल ब्यूटी जो है वो इतना खिल के बाहर आता है, चारों तरफ हरियाली, रास्ते का दोनों साइड में लगता है कि ग्रीन कारपेट बिछा दिया। और यहाँ का जो बारिश है ना, मानसून में एक रिदम में होता है, इसमें तूफान नहीं है, एक हल्का रिदम में होते जाता है। चारों तरफ गीला गीला रहता है, रोड कैसे चमक रहा है। ये जो नेचुरल ब्यूटी है, इसी को एंजॉय करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ पे ठंडी भी इतना नहीं है कि बारिश में आप गीला होने के बाद ठंडी लगेगा, तो लोग खुल के एंजॉय करते हैं। ये बादलों से ढका हुआ आसमान, चारों तरफ का हरियाली और ये फॉगी वेदर, ये चारों तरफ धुंधला सा, क्षेत्र में बारिश में ये जो सौंदर्य है ये और निखर के आता है। और इसी का लुत्फ उठाने मैं और रूना आज निकले हैं लॉन्ग ड्राइव पे। यहाँ पे बारिश में रास्ते का दोनों साइड में जो पहाड़ियों का पत्थर है उसमें से पानी गिर के बन जाती है नेचुरल फॉल्स, बहुत सारे नेचुरल फॉल्स। और ये सब देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और लोग यहाँ पे नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। और उसी के लिए आप देख रहे हैं ये सारे गाड़ी पार्क करके दोनों साइड में रखे हैं, और लोग खुल के एंजॉय कर रहे हैं इसी पानी। ये महाराष्ट्र का एक स्पेशलिटी है, इसी रेनी सीजन में लोग इतने एंजॉय करते हैं नेचुरल फॉल्स, बारिश का पानी, ये मैंने और कहीं नहीं देखा। वो आगे जो दिख रहा है ना, वो पूरा रोड उधर से जाम है, कितना अच्छा दिख रहा है। ये पूरा तामिनी घाट है, चारों तरफ से कितने सारे नेचुरल फॉल्स है। वेदर देखो, वेदर क्या वेदर है, लग लो पाए कितने से चारों तरफ खाली नेचर का ही साउंड है, पानी का आवाज़, नॉर्मल चिड़िया का आवाज़, बाकी जो नेचुरल ओरिजिनल साउंड से वही है। ये जो मेन तमानी घाट का जो फॉल्स है वो यही है, अभी पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, बादल में पूरा ढका हुआ एरिया। ये मेन जो फॉल्स है यही है, तमानी फॉल्स, तमानी घाट फॉल्स। ये रास्ते से अभी हमें आगे वापस जाना है, जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से नहीं जाएंगे। और ये रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, चिकन थाली। ये है लंच, चिकन थाली। और यहाँ से दिख रहा है, वो आगे दिख रहा है फॉल्स।
फॉल्स देखते देखते खाना, चिकन थाली। तमानी घाट का ये नेचुरल ब्यूटी, चारों तरफ का ये हरियाली, ये ग्रीन कारपेट और ये हजारों नेचुरल फॉल्स, इसका मज़ा लेते हुए और लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करते हुए हम आगे निकल गए। बस गाड़ी को ले आए एक पहाड़ी पे, एक जगह पे, ये देखो वो ऊपर जो पहाड़ी दिख रहा है उधर से आए, और ये एक नीचे अच्छा सीनरी दिखता है करके इधर आया। अभी देखते हैं आगे जाके दिखाएंगे। और ये उतर रही है रूना, अभी गाड़ी को ले आए थोड़ा ऑफ रोडिंग करके। ये है एक स्पॉट जहाँ से घाटी से ऊपर, हम तामानी घाटी जो है एकदम ऊपर है, यहाँ से नीचे अच्छा दिख रहा है, लोग मस्ती भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये देखो ये है कोंकण, हम ये पाली एरिया है मेरे ख्याल से, पाली है, हम इसी रास्ते से जाएंगे पाली होके। तो आज ये रहा हमारा तमानी घाट का टूर, काफ़ी अच्छा रहा और थोड़ा लेट हो गए हम, जब ट्रैफिक में फंसा था तो मूड ख़राब हो रहा था, फिर बाद में जब सीनरी देख रहे थे तो मूड अच्छा हो रहा था, ऐसे करके पहुंच गए। और अभी हम ऑन द वे बैक, वापस जाते टाइम और पुणे का साइड से लोनावला होके नहीं जाएंगे, हम पाली वाला रास्ता से जाएंगे क्योंकि ये शॉर्टकट है और हमें करीब 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, आते टाइम हमें करीब 6 घंटे लग गया। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है, 6:30-7:30 बजे तक हमें पहुंच जाना चाहिए, 7:30-8। क्या आवाज़ है सर, आपको सुनाई दे रहा है पानी का आवाज़, ऊपर से रास्ता है इधर, ऐसा जाना है ये रोड। और ये जा रहे हैं नीचे से, ये नीचे जो नीचे आपको दिख रहा है ना वो नीचे जाना है, हमें नीचे उतर के वहीं पे जाना है। ये रास्ते से जाएंगे अभी 2-2.5 घंटा ऐसा रास्ते से जानी, क्या मजा आएगा बताओ। चलो Thank you.
उतर रहे हम कुंकन में, उतर गया करीब करीब पूरा। क्या रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है गाड़ी चलने, बाइक राइडिंग में और मजा आता है, गाड़ी चलाने में तो मजा आता ही है ऐसे रास्ते पर, बाइक राइडिंग पे और मजा आएगा। ये दूर जो दिख रहा है ना, ये सारसगढ़ है, सारसगढ़ इस पे हम चढ़े थे, सारसगढ़ अभी पाली होके हम जाएंगे तो लग रहा है सारसगढ़ का बाजू में से जाएंगे। ये है सारसगढ़, और पाली का जो है, पाली गणपति का पास है ये सारसगढ़ हिल, और ये सारसगढ़ में हमने चढ़ा था, मैं और उन्होंने चढ़ा था शिव जयंती में, शिवाजी महाराज जयंती में, और उसका वीडियो है हमारे पास, उसका पूरा एक वीडियो है जो हम इसका ऊपर सारसगढ़ का ऊपर शिवाजी महाराज जयंती पालन किया था। तभी बज रहा है 7:30 और हम लोग एक्सप्रेस हाईवे पे खोपली टॉल क्रॉस किया, नेक्स्ट 40 मिनट्स में घर पहुंचेंगे, तो अराउंड 8:15 बजे तक शाम को घर पहुंचेंगे। ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था पहुँचने के लिए, लेकिन फिर आते टाइम हमने जो पाली हो क्या है वो बहुत ही अच्छा रहा, हमने जल्दी पहुंच गया। नहीं, इस रास्ते में जैम भी नहीं था ज़्यादा टाइम, हमारा जो खूब लोनाला से आगे होके गया था उस रास्ते में काफ़ी जगह पे, क्योंकि वो पूरा मूलशिका साइड से जाता है और पूना से काफ़ी लोग आए हुए थे, तो उधर बहुत ही जैम था, मतलब रास्ते पर जगह नहीं होता है, और जहाँ पर भी वाटरफॉल्स मिला लोग वहीं पर नहाना शुरू कर देते, तो गाड़ी साइड में खड़ा करके, तो सिंगल वे हो जाता है, उसी में डबल गाड़ी कहीं फंस गया तो बड़ा मुश्किल होता है, वही हुआ था बेसिकली। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तमानी घाट का, मैंने कोशिश करा जितना हो सकता है उतना दिखाने का कोशिश करा है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको पास जो मेरा न्यू अपलोड्स है वो टाइम पे पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय।